बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ ऑफ यूनिट नंबर 3, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। स्टूडेंट 3, देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट। तो स्टूडेंट 3 क्या कह रहा है कि मुवासलात के दो ज़राए होते हैं। देर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मुवासलात के दो ज़राए होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। मीडिया फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, किताबें, मैगजीन्स, रिसालों, अखबारात पर मुश्तमिल होता है। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन, ये हमें मालूमात भी फ्राहम करता है, एज वेल एज एंटरटेनमेंट और तफरी भी। टीचर, गुड, इट्स थ्रू मीडिया दैट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। उस्ताद क्या कहती है कि खूब, मीडिया की वजह से, ज़राए इब्लाग की वजह से दुनिया एक आलमगीर गांव बन चुकी है, इसमें हर चीज़ जो है वो समाई हुई है। देयर इज कवरेज ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ टेलीविजन। टेलीविज़न पर दुनिया के तमाम अहम वाक़यात की रिपोर्टिंग होती है। वी कैन हैव एन ईजी एक्सेस टू ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया। और हम मीडिया के ज़रिए ही हर किस्म की मालूमात तक आसानी से रसाई हासिल कर सकते हैं। एक्सेस मेन रसाई हासिल करना। स्टूडेंट 4, कैन यू से दैट द वर्ल्ड इज जस्ट अ क्लिक अवे। जो चौथा तालिबे इल्म है वो क्या कहता है कि क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया महज एक इशारे के फासले पर है? टीचर, मे बी वेल, वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट? मिस आयशा पॉइंट्स टू स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड। हो सकता है, अच्छा क्या कोई और तालिबे इल्म इस मौजू पर कुछ कहना चाहेगा? मिस आयशा जो है वो आखिर पर बैठे हुए तालिबे इल्म की तरफ इशारा करती हैं, पॉइंट आउट करती हैं उसे। स्टूडेंट 5, मैम, इन माई ओपिनियन मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी। क्या कहता है स्टूडेंट 5 कि मैम, जो मेरे ख्याल में मीडिया मुआशरे के लिए बहुत तमीरी किरदार अदा करता है। कंस्ट्रक्टिव रोल, तमीरी किरदार अदा करना। इट रेजेज अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इशूज लाइक करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये बहुत से समाजी मसाइल, मसलन बदनवानी, करप्शन, बदनवानी, दहशतगर्दी, नशा की आदत एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के बारे में आगाही पैदा करता है। टीचर, यस यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। स्टूडेंट 6, मीडिया हैज़ ऑलवेज बिकम अ माउथ पीस ऑफ द ट्रोडन। छठा तालिबे इल्म क्या कहता है कि मीडिया जुल्म के शिकार अफराद का नकीब बन चुका है, उसका तर्जुमान बन चुका है। माउथ पीस ऑफ द ट्रोडन तर्जुमान बन चुका है जो कि मजलूम अफराद है। टीचर, यस वेल सेड, इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट मीडिया इज अ मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। हाँ, खूब कहा, ये कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया सबसे ज़्यादा बाखबर अदारा है, विजिलेंट इंस्टीट्यूशन, बाखबर अदारा है जो माशरे के हर तबका पर नज़र रखता है। माशरे के एवरी सेगमेंट, हर तबका पर कीप्स एन आई नज़र रखता है। थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज इट मेक्स एवरी वन आंसरेबल एंड काउंटेबल। मुबासों, रिपोर्ट्स और गुफ्तो शनीद के प्रोग्रामों के ज़रिए ये हर एक को जवाबदेह और ज़िम्मेदार बनाता है। आप लोग देखते हो अपने न्यूज़ चैनल्स पर कि पैनल एक बैठा होता है, टॉक शोज़ होते हैं, डिस्कशन होती है, बहसो मुबासा होता है और कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बात का सलूशन आप कह सकते हो कि निकल आता है, या रीज़न हमें पता चल जाती है। दैट्स वाई मीडिया हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। कि इसलिए मीडिया हमारी जिंदगियों का अटूट हिस्सा जो है वो बन गया है। नाउ अब आई वुड इनवाइट वन ऑफ यू टू सम अप द डिस्कशन। कि अब मैं आप में से किसी एक को दावा देती हूँ कि वो इस बहस को जो है वो सम अप करें, समेट दें।
Student 1. I would conclude the discussion by saying that media can play a positive role and has a corrective impact if it works honestly. तो पहला तालन क्या कहता है कि मैं इन अल्फाज से ये बहस समेटूंगा या मैं इन अल्फाज से जो है इसको सम अप करूंगा कि मीडिया मस्बत किरदार अदा करता है, पॉजिटिव रोल प्ले करता है और अगर ये दयानतदारी से काम करता है तो इसका एक इस्लाही असर होता है. अगर ये दयानतदारी से काम करता है तो इसका असर जो है वो एक इस्लाही होता है. टीचर, गुड कंक्लूजन. आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन एंड हैव एक्सप्रेस योर सेल्व्स वेरी वेल. तो टीचर जो है, उस्ताद जो है, वो क्या कहती है कि अच्छा इख्तिताम है, अच्छे तरीके से आपने इसका कंक्लूजन जो है वो दिया है. मैं खुश हूँ कि आप सब ने इस मुबाहसे में हिस्सा लिया और बहुत अच्छे अंदाज से अपनी सोच का जो है वो इजहार किया. द बेल रिंग्स. मिस आयशा सेज गुड बाय टू द क्लास एंड लीव्स. घंटी बजती है, मिस आयशा जमात को खुदाफिज कहती हैं और तशरीफ ले जाती हैं.